नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल अपनी चुनावी रैली में, चुनावी जो है दौरा में घूम रही थी और इसी बीच हमने एक चीज पाया। बिहार में बहुजन समाज के जो लोग हैं, हमने कई बार देखा है कि मंच पे हमारे समाज के नेता बहुजन समाज के नेता होते हैं और जैसे ही मंच से नीचे उतरते हैं वह डोम, चमार, पासवान, ये सारी जातियां हैं बहुजन समाज की, वो बन जाते हैं। इनमें जातियों की बू आने लगती है। और मैं आपको बताऊं कि बिहार में बहुजन समाज दो पार्ट में बटा हुआ है। ऐसे संविधान में दो पार्ट है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, लेकिन बिहार ने एक अलग से दो पार्ट बना दिया, दलित और महादलित। एक डोम जाति है, महादलित में आती है और सभी बहुजन समाज में सभी जातियों से आखिरी पायदान पर निष्कासित है समाज से। लेकिन आपको एक बात और बता देता हूं, बिहार का एक सबसे बड़ा पर्व है छठ पर्व, पूरा बिहार इसमें मशगूल रहता है और उस छठ पर्व में जो सूप होता है, जो सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, वो बांस के सूप में, और वो तमाम सूप ये डोम जाति की महिलाएं, पुरुष हमने तो महिलाओं को देखा, तो महिलाएं बनाती है। एक सूप की कीमत हमने पूछा तो बताए 40 रुपये। मुझे अच्छा लगा, मैं इंटरेस्ट लेके बैठ गया और उस महिला से कुछ हमने सवाल किए, कुछ सामाजिक सवाल किए, और आप जरा इस वीडियो को देखिए। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हम तो अपने चैनल पर डालेंगे कि जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं उसके बारे में हम बताते रहते हैं कि उनका जीवन क्या है, जिंदगी कैसा कटता है, रोजगार क्या है। ये आप क्या बना रहे हैं ये बताइए, दिखाइए। सूप है। अच्छा, कितना दिन में बना देते हैं? 10 मिनट में। और ये मतलब सूप कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ काम आता है? छठ पर्व में। एक सूप कितने रुपए का देते हैं? 40 रुपया का। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकार आपसे के लिए कुछ कर रही है? ये बिजनेस है सूप बनाने का। अच्छा, बहुत सारे सुनते हैं सामाजिक छुआछूत, जो आपसे भागते हैं, दूर भागते हैं लोग और सटते नहीं हैं, नज़दीक नहीं, आपका छुआ पानी नहीं पीते हैं, ऐसा भी कभी अनुभव हुआ है? ऐसा कभी हुआ है? अब नहीं, हाँ? अब नहीं होता है, अब बदलाव हो गया है। अच्छा, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं सरकारी स्कूल में? अच्छा अच्छा, ये पूरे छठ पर्व में ये सूप कितने का बना लेते होंगे, कितना कमा लेते हैं? कुछ नहीं होता है, फिर भी खाना उना चलता है बस। अच्छा अच्छा, सरकार का कुछ सहायता है इसके ऊपर? कोई सहायता नहीं। आपके जो घर के जो मर्द लोग हैं, जो पुरुष लोग हैं, वो क्या करते हैं? अच्छा अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी है आप इसी से अपना जीवन यापन करते हैं, सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं आ रहा है, केवल नाम के लिए टीवी पे इतना लंबा चौड़ा भाषण होता है। अच्छा अच्छा, और मान लीजिए छठ पर्व खत्म हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद ये टोकरी चलता है मौलवी की। अच्छा अच्छा, मतलब टोकरी वगैरह बना लेते हैं, सालों भर यही सब चलता रहता है और कोई इनकम का साधन नहीं? कोई इनकम का साधन। अच्छा अच्छा, इस बार आप किसको वोट दिए, कौन से पार्टी को? जी पार्टी जीत गया ना, उसके जाने। अच्छा अच्छा, जो जीत गया, आपको पता है कि कौन जीता है? अभी हमको नहीं पता। अच्छा, फिर किसको दिए ये बताइए? हम बोल दिए जिसको जानिएगा जीत गया वो। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, हम आते रहेंगे, आप लोगों से सवाल करते रहेंगे, ठीक है। आखिर में जब मैंने पूरा मोहल्ला मुआयना किया सब कुछ, ये शिक्षा से दूर है, ये समाज से दूर है। संविधान में आपने भले ही बहुत कुछ लिखा हो लेकिन एक अक्षर भी इनके ऊपर लागू नहीं होती, सरकार इनके तरफ से मुख मोड़े हुए है। अगर इनका काम सूप का ही है, इनका काम टोकरी बनाने का है, तो आपसे पूछ रहा हूं कि हमारी सरकार सूप और टोकरी बनाने पर कितना फंडिंग करती है? क्या इनके बच्चे को अलग से कोई शिक्षा की व्यवस्था है, या केवल एक आरक्षण का झुनझुना देकर
और मुंह मोड़ लेते हैं। ये इतने डरे हुए हैं कि इन्होंने तो यहां तक, आपने देखा होगा वीडियो में, ये कह दिया कि जो जीता उसी को हमने वोट दिया, क्योंकि इनमें एक भय है, क्या पता ये कौन से पार्टी के लोग होंगे, कैसे कैसे पूछ रहे हैं। ये वो समाज है, बहुजन समाज की बात कर रहा हूं, जो डरे हुए रहते हैं और आपकी मुंह देखते रहते हैं, जो जीतेगा उसी का नाम लेना शुरू कर देते हैं। क्या हमें बदलाव नहीं चाहिए? क्या इनमें, इन्हें हम भयमुक्त शासन नहीं दे सकते हैं? आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर किसी और मोहल्ले में पहुंचते हैं और आपको वहां का सीन दिखाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।